लगता है यहाँ से आधा से ज्यादा हैदराबाद पूरा दिखाई दे रहा है आप सभी। अब कैमरे में आ रहा होगा कि नहीं मुझे नहीं पता, बट दिखाई दे रहा है। भाई लोग से मुलाकात हुआ। चलिए मैं आपसे अब एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, पता नहीं अब आवाज जा रहा है कि नहीं जा रहा। सो फाइनली गाइज, अभी हम लोग अपने रूम हैदराबाद जहाँ पे हम आए हुए थे हॉस्पिटल, वहाँ पे अपने रूम में है अभी स्टे कर रहे थे। अब यहाँ से हम जाएंगे चार मीनार घूमने के लिए, और फिलहाल अभी हमारा रूम का लोकेशन कुछ इस प्रकार का है, ठीक हॉस्पिटल के पीछे ही है। और अगर मैं हॉस्पिटल दिखाने की कोशिश करती हूँ, देखिए आपको शायद दिख रहा होगा AISG हॉस्पिटल, उल्टा लिख रहा होगा, लेकिन ये इसी हॉस्पिटल में हम लोग ट्रीटमेंट करा रहे हैं। इसी के पीछे रूम लिए, रूम दो चार जगह पता किए तो हमें एक सस्ता रूम मिल गया, क्योंकि रूम बहुत महंगा मिलता है जानते हैं हॉस्पिटल के पास में। तो अभी फिलहाल एक यहाँ पे एक चीज़ और देखने को मिला हमको, ये देखिए पूरा कांच की बिल्डिंग है, पूरी तरह से काफ़ी अच्छी दिख रही है, कैमरे में उतना अच्छा नहीं आ रहा होगा। तो फिलहाल अभी हम लोग जा रहे हैं चार मीनार घूमने के लिए, और उसके बाद से चार मीनार के अलावा भी और भी बहुत सारे जगहों पर हम जाने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं कि कैसा हमारा रहता है यहाँ का एक्सपीरियंस हैदराबाद का, और भी टाइम मिलेगा तो और भी जगह हम विजिट करेंगे। तो फिलहाल आप हमारे इस ब्लॉग में बने रहिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए अपने सफर में आपको आगे लेके चलते हैं। फिलहाल रूम से बाहर निकल चुके हैं और अभी जा रहे हैं ऑटो के लिए, ऑटो ढूंढेंगे कहीं भी सस्ता टिकाऊ, और उसके बाद आगे का आपको दिखाते हैं। फाइनली अभी हम चार मीनार नहीं जाके, पहले गोलकुंडा जाएंगे, वहाँ का एरिया पहले घूमेंगे, इसके बाद हम आपको दिखाएंगे चार मीनार, और एक और कोई मार्केट है वहाँ भी आपको लेके चलेंगे। तो फिलहाल पहले हम चलते हैं गोलकुंडा किला, वहाँ घूम लेते हैं, उसके बाद में आपको आगे का कहाँ जाना है देखेंगे। तो चलिए अपने ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं अपने डेस्टिनेशन पे। कौन सा जगह था ये? गोलकुंडा है, गोलकुंडा का किला, और यहाँ पे हमें लेके आए हैं सबीर भाई जी, और इनका ही ऑटो है काफी अफोर्डेबल प्राइस में। मैं आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, नंबर दे दूंगा, और यहाँ पे भी दे दूंगा, जिससे आप देख सकते हैं जब भी कहीं भी आप हैदराबाद में आ रहे हैं तो आप लोग एक बार कॉल करिए, आपके पास तुरंत आप लोकेशन दीजिए, वहाँ पहुँच जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है अफोर्डेबल, मतलब कम प्राइस में आपको कोई भी ऑटो वाले जल्दी नहीं मिलते हैं। तो ये चीज में आपको एक बार जाइए, मेरा एक्सपीरियंस सही था, आपका भी जरूर सही रहेगा। तो अभी पीछे का ये लोकेशन है, और अभी अंदर चल के भी आपको दिखाते हैं कैसा यहाँ का सीन रहता है। तो चलिए ब्लॉग में लास्ट तक बने रहिए। यहाँ से हमने टिकट ले लिया है, और ये रहा हमारा टिकट, लगभग 25 रुपीज पड़ा है इंडियन के लिए, और अगर कोई अदर कंट्री से आते हैं तो उसके लिए 300 प्राइस है। तो आप टिकट ले सकते हैं, और ये देखिए कुछ इस प्रकार का इसमें बार कोड लगा हुआ है, और यहाँ पे हमको 25 रुपीज देना पड़ा 300 बाहर कंट्री के लिए। और अब हम चलते हैं ऊपर और देखते हैं कैसा वहाँ का सीन है। Thank you.
है कि इसे रिनोवेट किया गया है। पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पे, और अगर मैं पीछे दिखाने की कोशिश करूँ सर, फोटो लेने पड़ेगा रहा हूँ एक ही चुनका। तेज धूप है, धूप की वजह से वीडियो बनाने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। इतना तेज धूप है कि देखा ही नहीं जा रहा, सूर्य की रोशनी इतना खतरनाक पड़ रहा है यहाँ पे। लेकिन पूरी तरह से यहाँ पे एक चीज देखने को मिल रहा है, शायद हो सकता है इसको थोड़ा सा पत्थरों को सीमेंट वगैरह से फिर से एक्चुअली ये हो गया बहुत पुराना, थोड़ा बहुत रिनोवेट किया गया है सीमेंट वगैरह का यूज करके आधुनिक टाइप से। इस किले के अंदर आते समय यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग मिल रहे हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स मिल रहे हैं जो अभी एक जगह हमें रोक लिए थे और उनसे क्वेश्चन पूछ रहे थे इस किले का पुराना क्या नाम, किसने बनाया था, तो हम नहीं बता पाए क्योंकि हमें आइडिया नहीं है और नहीं हम यहाँ कोई होमवर्क करके आए थे कि हम बता पाए इसके बारे में। अभी फिलहाल अंदर से एंट्री होते हुए बाहर निकले और ऊपर की तरफ हम जा रहे हैं, और वो पीछे भी बहुत सारे लोग से क्वेश्चन कर रहे हैं बर्ड्स भर के लेके आए हैं, जो अगर बता देता है तो हम गिफ्ट करेंगे फ्री में। पूरी तरह से यहाँ पे लाइट लगाया गया है, मतलब रात के समय में कुछ धूप और पड़ने वाली है यहाँ पे आप देख सकते हैं। काफी यहाँ पे विदेशी टूरिस्ट भी आए हैं बहुत ही ज्यादा। लोकेशन काफी अच्छा देखने को मिल रहा है, आप देखेंगे तो रास्ते में बहुत सारे ऐसे जगह मिलेंगे जहाँ पर लोकेशन हमें बहुत ही अच्छा देखने को मिल रहा है। यहाँ से देख सकते हैं सीने का पूरा लोकेशन दिख रहा है और काफी अच्छा लग रहा है। चलिए ऊपर लेके चलता हूँ और आपको ऊपर भी दिखाता हूँ यहाँ का लोकेशन कैसा है। बहुत धूप है, धूप की वजह से वीडियो बनाना थोड़ा सा मुश्किल है बट बनाना तो पड़ेगा। मतलब ऐसा लग रहा है किले में मतलब पत्थरों को बहुत ही बेहतरीन से काट काट के बनाया गया है, जहाँ जहाँ पत्थरों काटना पड़ा है काटा गया है और बाकी जगह पत्थरों को देखिए बड़ा बड़ा ऐसे छोड़ दिया गया है। तो पता नहीं मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही होगी नहीं पहुँच रही होगी, एक्चुअली मैं माइक लाना भूल गया, लेकिन भाई लोग से मुलाकात हुआ। चलिए मैं आपसे अब एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, पता नहीं अब आवाज जा रहा है कि नहीं जा रहा, मेरा बस यही क्वेश्चन रहेगा कि इस जगह का अभी क्या नाम है और इसका पुराना नाम क्या था? पुराना नाम नहीं पता है। किस सन में इसको चालू किया, मतलब इसका स्थापना कब हुआ, चालू कब किया गया? 14th शताब्दी। थोड़ा थोड़ा सही है। तो दो क्वेश्चन हमने पूछा, काफी अच्छा जवाब दिया इन्होंने, और मुझे लगता है अभी अभी आधा ज्यादा दूर तो नहीं आए, थोड़ा सा ही हाइट अभी अभी बोले तो आना चाहिए। जगह से बहुत ही ज्यादा मुझे लगता है उस समय यहाँ के लोग निगरानी के तौर पे इस जगह को यूज करते थे, यहाँ से देखते थे बाकी सारे एरिया को। मुझे लगता है सारा पूरा एरिया दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हैं पूरा हैदराबाद, मुझे लगता है आधा से ज्यादा हैदराबाद पूरा दिखाई दे रहा है आप सभी। अब कैमरे में आ रहा होगा कि नहीं मुझे नहीं पता, बट दिखाई दे रहा है। सेव कर ले। मेरे
पहला क्वेश्चन तो ये बताइए कि तेलुगु अच्छा भैया इंग्लिश लाइक हां इंग्लिश ओके ओके फर्स्ट क्वेश्चन हाउ मेनी टाइम्स दिस प्लेस हाउ मेनी विजिटेड 3 टाइम्स नो ओके ओके हाउ मेनी टाइम्स दिस प्लेस ओपनिंग टाइम दिस ओपनिंग इज 1947 ओके ऊपर रखा हुआ है एक्चुअली पूरा भाग नहीं है थोड़ा बहुत ही बचा है बाकी इसके वजह से लग रहा है खत्म हो चुका है बट थोड़ा बहुत जो है आप देख सकते हैं बचा हुआ है पूरी तरह से लोहे का बना हुआ है और बहुत ही ज़्यादा भारी है इसका होल देख सकते हैं बहुत ही छोटा होल है लेकिन बहुत ही ज़्यादा भारी होगा मेरे ख्याल से अब पता नहीं कैसे इसको इधर एक दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट किया जाता होगा मुझे नहीं पता बट आप देख सकते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं पीछे भी है और इसके भी आप जाके चढ़ सकते हैं यहाँ लगता है मुझे राजा महाराजा लोग रहते थे उनका मेन था रहने का क्योंकि यही एक है जो कि बना हुआ एक ढांचा आकृति तौर पर तैयार किया गया है बाकी सारी चीज़ें बोली आपको दिखाई दे रही हूँ अभी अब हम ऊपर ज़्यादा नहीं जा पाएंगे बहुत ज़्यादा थकावट हो गई है और बहुत सारे लोग अभी आ रहे हैं यहाँ तो फिलहाल अब हम इस ब्लॉग में यहीं पे खत्म करेंगे।